डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक केमिकल है जो हम लोग घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बाल को डाई करने में, किसी चीज़ को नीट, किसी चीज़ को क्या, स्किन वगैरह को नीट एंड क्लीन करने में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में बाजार में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको बाज़ार में आसान तरीके से ये मिल जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना है लेबोरेटरी प्रिपरेशन की लैब में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे बनाते हैं। तो लेबोरेटरी में हम ले लेते हैं सोडियम पेरोक्साइड को, ये सोडियम पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड कब कहेंगे, जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तब उसे हम पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे H2O2 को ही ले लीजिए, देखिए दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इससे ऐसे हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच्ड होता है। और इसे यदि हाइड्रोजन बॉन्ड ये कभी मेक कर ले इस तरीके से, तो ये आपको फॉर द स्टेबिलिटी के लिए, तो ये आपको खुली हुई किताब की तरह दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओपन बुक लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए हाइड्रोजन सोडियम पेरोक्साइड है, जैसे सोडियम पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो क्या करिए, दो ऑक्सीजन, इसके पास दो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करिए और इधर जहां हाइड्रोजन है उस जगह पे सोडियम सोडियम को अटैच कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपको सोडियम पेरोक्साइड। कैलकुलेटेड अमाउंट में लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, जितना हमें बनाना होगा उतना ही लेते हैं। और हम क्या इस पर डालते हैं, एक एसिड H2SO4 डालते हैं जिसको हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। आइस कोल्ड डाइल्यूट डालते हैं, यानी काफ़ी ठंडा डाइल्यूट H2SO4 को डालते हैं। और ये जो सॉल्यूशन होता है 20% ही कंसंट्रेटेड होता है, यानी इसमें 80% वाटर और 20% ही एसिड होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का हम यूज नहीं करेंगे। अब होता है क्या क्या है सॉरी जब कोई पेरोक्साइड पे आप एसिड डालेंगे तो एक पेरोक्साइड आपको फिक्स्ड होगा बाई प्रोडक्ट में। तो यहाँ एक यहाँ पेरोक्साइड होने की वजह से और यहाँ इसके एसिड के पास हाइड्रोजन होने की वजह से एक बनाया एक पेरोक्साइड, और वो भी किस चीज़ का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं लेबोरेटरी में। और इसके साथ एक बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। आपको रिमेम्बर क्या रखना है कि जब सोडियम पेरोक्साइड पे 20% डाइल्यूट आइस कोल्ड H2SO4 को जब हम पुट करते हैं तो सोडियम का सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो ये एक लेबोरेटरी मेथड था। अब सेकेंड जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि मर्क प्रोसेस से हम किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो मर्क प्रोसेस से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो मर्क प्रोसेस, यहीं से एक क्वेश्चन है कि मर्क प्रोसेस से क्या बनाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम H2SO4 बनाते हैं। तो मर्क प्रोसेस से हम H2O2 बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। देखिए यहाँ है, ये है वाटर मिला हुआ है BaO2 के साथ, तो ये हो गया हाइड्रेटेड। जब किसी के साथ वाटर कुछ मॉलिक्यूल्स एडेड हो, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, केवल एडेड है स्मॉल अमाउंट में, तो ऐसे को बोलते हैं हाइड्रेटेड। और ये बेरियम है और इसका पेरोक्साइड है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। जब हाइड्रोजन बेरियम सॉरी हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड पे आप H2SO4 डालिएगा तो ये तो तय ही है, पिछले में हम बता रहे थे क्या कि कोई भी पेरोक्साइड पे जब हम कभी एसिड को पुट करेंगे तो एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, स्पेशली H2SO4 को, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास फिक्स्ड हो जाएगा, कौन सा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरीके से बनाते हैं। तो मर्क प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लेते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका सल्फेट बना देगा, किस चीज़ का, बेरियम का सल्फेट, BaSO4 एक प्रोडक्ट बनाएगा और ये नीचे जा कर के प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा, बनाएगा H2O2। हाइड्रेटेड होने की वजह से जितने मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर के थे, जैसे H2O इससे क्या हो जाएगा सॉरी खांसी, तो H2O इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। पिछले में आपने क्या पढ़ा, यहाँ था सोडियम पेरोक्साइड, हाइड H2SO4 पुट किए थे, बना था सोडियम सल्फेट और H2O2। लेकिन जब हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड जब लीजिएगा तो एक मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हो जाएगा, कौन सा, H2O। जब कभी पेरोक्साइड पे एसिड डालते हैं तो एक प्रोडक्ट और भी फिक्स्ड होता है, कौन सा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और
सल्फेट और बेरियम मिलकर के क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट, ऊपर बनाया था सोडियम सल्फेट। अनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड डज नॉट रिएक्ट रेडली विद द H2SO4 हाइड्रेटेड। क्यों लिए, क्योंकि जब ये हम अनहाइड्रस ले लेते बिना पानी में मिला हुआ हल्का फुल्का, तो वो H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता जैसा कि सोडियम पेरोक्साइड किया, लेकिन बेरियम पेरोक्साइड रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ए कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट इज फॉर्म ऑफ इट्स सरफेस ऑन इट्स सरफेस विच स्टॉप्स फर्दर एक्शन ऑफ द एसिड। देखिए होता क्या, अब इसको समझिए, ये मान लिया जाए कि ये है आपके पास बेरियम पेरोक्साइड, जैसे ही इस पे आप एसिड डालिएगा, एसिड एसिड का मतलब कौन सा H2SO4, तो ये कौन बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो बनेगा इसके सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पे ही जाकर के बैठ जाएगा। अब जब डालिएगा फिर से H2SO4, तो H2SO4 का कांटेक्ट बेरियम ऑक्साइड से हो ही नहीं पाएगा, किसके साथ ही कांटेक्ट कर पाएगा, इसका रिएक्शन होने लगेगा बेरियम सल्फेट से। एक्चुअली इसको रिएक्शन करना है किसके साथ, बेरियम ऑक्साइड से, लेकिन ये H2SO4 अब रिएक्शन करने लगेगा किससे, बेरियम सल्फेट से, और बेरियम सल्फेट से रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो एक कोट बन जाने के वजह से, इसके ऊपर एक कवर बन जाने की वजह से हम यहाँ अनहाइड्रस बेरियम ऑक्साइड का यूज कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग हाइड्रेटेड लेते हैं। हाइड्रेटेड लेने की वजह से फिर से हल्का फुल्का ये डिजॉल्व होगा इस वाटर के वजह से, और ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा किस चीज़ का, एसिड का, डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा तो कंप्लीट रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये था मर्ग प्रोसेस। मर्ग प्रोसेस में आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि अनहाइड्रेटेड या नॉन हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड का हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, तो बोलिएगा कि एक प्रोडक्ट बन जाता है एसिड के साथ रिएक्शन करने में, और वो था बेरियम, होता है कौन सा, बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट बेरियम पेरोक्साइड के सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, चिपक जाता है उसके साथ चारों तरफ से। तो जब हम एसिड को उसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो आ नहीं पाता, उसके कॉन्टैक्ट एसिड के कॉन्टैक्ट में कौन आ जाता है, बेरियम सल्फेट, जो कि फर्दर रिएक्शन को रोक देता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, ये 11th का पोर्शन है इसलिए बोर्ड नहीं, लेकिन आपके एकेडमिक एग्जाम होगा या कोई कंपटीशन होगा तो उसमें पूछा जा सकता है, नीट में खास करके। ये सब था छोटे मोटे प्रोसेस, यानी कौन सा, लेबोरेटरी मेथड। अब आ जाइए इंडस्ट्रियल मेथड, जहाँ की लार्ज अमाउंट में हमको क्या बनाना हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना हो, तो हम लोग करवाते क्या हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसको कहेंगे, आइसो का मतलब होता है सेकंड पोजीशन पे, आप काउंट करिए 1 2 3, सेकंड पोजीशन पर से इसका हाइड्रोजन क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, उसके जगह हाइड्रोक्सिल आ चुका है, तो सेकंड पोजीशन को ही हम बोलते हैं आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें है 3, तो बोलेंगे प्रोपाइल, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड होने की वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, अल्कोहल, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट बहुत ही फिक्स्ड होता है, कौन सा, H2O2, और ये बना देगा आपको क्या, एसीटोन। तो एसीटोन के फॉर्मेशन के समय भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, लेकिन लिटिल अमाउंट में होता है, तो एसीटोन हमें ज़्यादा बनाना होता है, तो ज़्यादा बनाना होता है तो इस वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, H2O2 ऐसे ही हमारे पास बहुत सारा बन जाएगा। अब आ जाइए ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ टू ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ये वाला पार्ट है, चार कार्बन एटम के अल्काइल ग्रुप को हम ब्यूटाइल बोलेंगे, तो ये 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल, पूरा का पूरा ये हो जाएगा, ये यही इसी का नाम है, 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल, क्लियर है, 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो H2O2 बनता है, एक प्रोडक्ट हमारे पास फिक्स्ड हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप इसके बाई प्रोडक्ट को नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये H2O2 बन गया, आप डायरेक्ट इसको लिखिए, इससे भी काम चल जाएगा, और जैसे ही ये रिड्यूस होगा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में तो फिर से ये बना लेगा 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल का फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अभी आप पढ़ रहे थे यहाँ कौन सा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2,
आपने देखा लैब मेथड, फिर आपने देखा कौन सा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में लार्ज अमाउंट में बनाना होता है, लैब मेथड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मर्क प्रोसेस। कई बार पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में, तो आप उसे याद रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए H2O2 को, बाजार से खरीद करके ला करके देख लीजिएगा कैसा दिखता है। कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध भी नहीं होता है, तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। जब सड़कों पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके स्किन वगैरह को नीट एंड क्लीन करने के लिए लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी क्या करता है, यूज करता है। सोलोबल इन H2O आसानी से पानी में घुल जाता है, अल्कोहल में भी घुलता है और इथर में भी घुल जाता है। देखिए हर जगह पे इट हैज़ बीटर टेस्ट होता है, टेस्ट कर करके तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसे तो बीटर टेस्ट एंड हार्मफुल फॉर स्किन, लेकिन फिर भी स्किन को इससे नीट एंड क्लीन लोग करता है। कब, जब एक्सीडेंट हो जाता है तब। काफ़ी गंदगी जब रहता है तो इसमें आसान तरीके से क्या कर जाता है, गंदगी सब डिजॉल्व हो जाता है। इट इज डायाबेसिक वीक एसिड। डायाबेसिक इसलिए बोला गया कि इसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, इसके पास दोनों गुण होता है, ये ऑक्सीडाइज भी करता है और क्या करता है, रिड्यूस भी कर देता है किसी किसी चीज को, ठीक है। 30% सॉल्यूशन जो H2O2 का होता है उसको हम कहते हैं पर हाइड्रोफ हाइड्रोल। पर हाइड्रोल क्या होता है, 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को हम बोलते हैं पर हाइड्रोल बोलते हैं। ऑलवेज कीप इन डार्क बोतल बिकॉज बॉटल्स बिकॉज इट डिकम्पोज इन लाइट एंड टेम्परेचर। लाइट और टेम्परेचर के प्रेजेंस में इसको रखिएगा, धूप में इसे नहीं रखना रहता है, हीट वाले जगहों पे नहीं रखना रहता है, नहीं तो ये टूट जाएगा। अब आ जाइए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में H2O2 को जब लाइट और टेम्परेचर दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये टूटेगा H2O में और किस चीज़ में, नसेंट ऑक्सीजन में। ये नसेंट ऑक्सीजन न्यूली फॉर्म ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, नसेंट ऑक्सीजन। ये काफ़ी रिएक्टिव होता है और कलर से ये रिएक्शन करके उसको डिसकलर कर देगा, यानी किसी भी कलरफुल वाले मटेरियल पे आप इसके कांटेक्ट में जब लाइएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और थोड़ा सा टेम्परेचर दिखा दीजिएगा तो उस जगह को डिसकलर कर देगा, खास करके कपड़ों को। तो नसेंट ऑक्सीजन वर्किंग एज ए डीकलरिंग एजेंट और ब्लीचिंग एजेंट, और ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। लोग अपने स्किन को भी नीट एंड क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कर लेता है, लेकिन वो हार्मफुल होता है क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्किन के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो इसे कभी भी स्किन के कलर को साफ करने के लिए इसका यूज नहीं करना चाहिए। ऑक्सीडेंट एक्शन ऑफ H2O2, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको समझिए और बारीक ढंग से इसको समझिए। देखिए जब कभी भी H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है तो बनाता क्या है, ये डिकम्पोज होकर के देता है H2O और देता है क्या, नसेंट ऑक्सीजन देता है। और जब ये ब्लैक कलर के PbS लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है लेड सल्फेट, जो कि हो जाता है किस कलर का, वाइट कलर का होता है। अब इस रिएक्शन में क्या करिए कि पहले इंडिविजुअल इसको बैलेंस करना पड़ता है, H2O2 H2O और नसेंट ऑक्सीजन दिया है। तो देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी है। अभी इसको बैलेंस करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे देखिए PbS है तो एक लेड है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन इसमें कितना है, 4। तो आपको यहाँ जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसके पहले 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4। और नीचे हम ये दोनों रिएक्शन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नसेंट ऑक्सीजन है उसको कट करना होगा, तो इसे भी 4 करना होगा। तो यदि पार्टिकुलरली आप इसको 4 कर देते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से क्या करना है कि पूरे को एक साथ 4 से आप क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई, तो 4H2O2 भी हो गया, 4H2O भी हो गया और 4 नसेंट ऑक्सीजन भी हो गया। अब 4 यहाँ भी ऑक्सीजन है और 4 यहाँ भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब पूरे को ऐड करके नीचे लिख दीजिए, देखिए ये PbS है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं किए, तो ये H2O2 है लेकिन कितना है, 4 हो गया, तो 4H2O2 गिव्स। आप देखिए H2O है तो यहाँ 4H2O लिखना पड़ा है क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है, और PbS4 को हम नॉर्मल लिख देंगे।
तो H2O2 ऑक्सीडाइजेज ब्लैक लेड सल्फाइड, ये जो ब्लैक कलर का जो लेड सल्फाइड होता है इसको बना देता है वाइट लेड सल्फेट में। दिस रिएक्शन इज यूज इन रीस्टोरिंग द वाइट कलर ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स विच हैव ब्लैकेंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड बाई द एक्शन ऑफ H2S प्रेजेंट इन एयर। हवा में H2S होता है, वो क्या करेगा कि रिएक्शन कर करके लेड सल्फाइड बना देगा और जो पुराना पेंटिंग है उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिस वजह से वो पेंटिंग क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। उसको साफ करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो नसेंट ऑक्सीजन है वो ब्लैक कलर के लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर करके वाइट कलर का क्या बना देगा, लेड सल्फेट बना देगा और वो जो पेंटिंग है वो नीट एंड क्लीन हमें दिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ, थोड़ा इनको हम बड़ा कर लें। आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो हमारे इस वीडियो को, मेरे चैनल को जितना ग्रोथ दिलाना है दिला सकते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। साथ साथ यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट नंबर है 9155x5 and 440। फॉर्मेलिटी के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीट स्पेशल या मेंस कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो या बोर्ड एग्ज़ाम देना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और पार्टिकुलरली आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं H2O2। अब H2O2 जो ऑक्सीडाइज करता है सल्फाइड्स को सल्फेट में, ये तो रिएक्शन नॉर्मल होगा, ऑक्सीजन देगा। अब ये जो हमारे पास सल्फाइड है इसके पास ये जाएगा नसेंट ऑक्सीजन, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सल्फेट। किसी को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ दो सोडियम, एक सल्फर और यहाँ 3 ऑक्सीजन और +1 4 ऑक्सीजन पूरा बैलेंस्ड है। नसेंट ऑक्सीजन को काट दीजिए, बाकी सबको आप ऐड करके नीचे लिख दीजिए। देखिए Na2SO3, H2O2 लिखा हुआ है, Na2SO4 और H2, यही आपका प्रोडक्ट हो गया कि जब H2O2 रिएक्शन करता है सोडियम सल्फाइड से तो बनाता है सोडियम सल्फेट, और H2O का ये क्या करता है, निर्माण करता है। कैसे करता है आपने देख लिया। आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को कि जब H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन करता है नाइट्राइट से तो बनाता है नाइट्राइट्स। ये है नाइट्राइट्स, सोडियम नाइट्राइट्स। जब रिएक्शन किया किसके साथ, नसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट्स बनाया। H2 सेम कंडीशन है, ये देगा नसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा। बाकी इन दोनों को ऐड कर करके आप यहाँ देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये Na2NO3 यहाँ छूट गया था सॉरी, और यहाँ H2O। क्लियर। अब आ जाइए H2O2 जो है ऑक्सीडाइज करता है H2S को किस में, सल्फर में। देखिए H2S को ये ऑक्सीजन, नसेंट ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आ करके क्या किया, H2O और ये सल्फर बनाया। आप नसेंट ऑक्सीजन को कट करिए, टोटल को ऐड करके क्या करिए, लिख दीजिए, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो ऊपर की जो लाइनें हैं कि H2O2 ऑक्सीडाइजेज H2S इनटू द सल्फर, ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। ये बात आप नॉर्मल ही देख रहे हैं, दोनों को लिखिए, नसेंट ऑक्सीजन को काटिए, ऐड करिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आ जाइए H2, इसका रिड्यूसिंग नेचर अभी तक ऑक्सीडाइजिंग नेचर ने देखा, तो H2O2 जब रिड्यूस करेगा तो एक देता है 2H+ आयन ऑक्सीजन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही, नहीं तो ऐसे नहीं। तो ये ऑक्सीडेंट भी काम करता है, रिडक्टेंट भी काम करता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिल्वर ऑक्साइड और ये ओजोन। जब सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा तो ये सिल्वर देता है H2 और ऑक्सीजन देता है, और जब ओजोन के प्रेजेंस में आता है तो ये H2 और ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, लिबरेट करेगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कंप्लीट आप देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो चलिए आप यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा और जूम कर दूँ, ठीक। स्ट्रक्चर आप जैसा कि ऊपर ही बता चुके थे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है अपन बुक लाइक होता है, यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड यदि बना लेता है, इस तरीके से बनाता भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड कर बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ता है, तो ये और 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, पेरोक्साइड बॉन्ड
ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा 94 डिग्री का होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा 0.97 एंगस्ट्रम का होगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा 1.48 एंगस्ट्रम होगा। और ये जो एंगल है ये हो जाएगा 94। एक होता है 94 का, नहीं तो दोनों 94 डिग्री का ही है, और बॉन्ड लेंथ भी देखिए ये सिमिलर ही है। तो आपको दो ही पॉइंट याद रखना है, ये बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ। वेपर डेंसिटी 17 होता है, मोलिकुलर वेट ऐड कर लीजिएगा ऑक्सीजन का 16 × 32 = 34 हो गया। डाइपोल मोमेंट होता है 2.1 DB। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कई बार ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या बरतना है, सावधानियां क्या क्या बरतना है। H2O2 इज वेली स्टोर्ड इन कलर्ड पैराफिन बैग्स कोटेड प्लास्टिक बोतल, क्योंकि ये टूट जाएगा, इसका डी नेचर होने का चांस है। ऑलवेज विथ H2O2 एड अ स्मॉल क्वांटिटी में इनमें इनहिबिटर डालते हैं या नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं ताकि ये डिकम्पोज ना करें। इनहिबिटर कौन कौन सा डालते हैं, H3PO4 एसीटाइल नाइट्राइड्स हम इसमें क्या करते हैं डालते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखिए इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्लीचिंग एजेंट में, यानी कलरफुल को डिसकलर करने में, कलरफुल जो आपके यहाँ से कॉपी पेपर लोग खरीद के लेकर के जाता है डिसकलर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही करता है, मिलाता है ब्लीचिंग पाउडर से करता है, इससे भी करता है। हेयर डाइंग में कलर को डाई करना है तब, रंगना है तब, H2O2 और N2HO4 ये एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का गुड सोर्स है, और किसी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और रॉकेट जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस वजह से H2O2 का इस्तेमाल हम करते हैं। H2O2 एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, और ये साथ साथ में बताए थे कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। पूरा का पूरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मेरा यदि पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।